अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। वेश साधु संत जैसा लेकिन जहनियत है मन वाली, कुछ ऐसा ही निष्कर्ष निकलकर सामने आया है यूपी के मेरठ जिले में बीते दिवस हुई एक पुजारी की हत्या के मामले में। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मुंडाली थाना इलाके के गांव बड़ला के अथवाड़ा में बीते दिवस पुजारी चंद्रपाल का खून से लथपथ शव बरामद हुआ था। चंद्रपाल के भाई व परिवार गांव में रहता है, जबकि वह पिछले 15 साल से गांव के ही एक मंदिर में रह रहा था। पुजारी की हत्या से कानून व्यवस्था पर एकाएक ही सवाल खड़े हो गए थे, लिहाजा पुलिस ने हत्यारे तक पहुंचने में दिन रात एक कर दिया। आज दोपहर देहात पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए मीडिया को यह जानकारी दी। साथ ही गांव के ही गिरफ्तार हत्याभियुक्त विकास पुत्र पप्पू को भी मीडिया के समक्ष पेश किया। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं देहात पुलिस अधीक्षक केशव कुमार। थाना मुंडाली के ग्राम बड़ला कैथवाड़ा में कल चंद्रपाल उर्फ सुखी बाबा, जिनको गांव में लोग महाराज के नाम से भी जानते थे, उनकी ईंट से हत्या कर दी गई थी। इस घटना का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभियुक्त से पूछताछ में ये बात निकल के आई है कि जो ये अभियुक्त है, जिसका नाम विकास है, विकास पुत्र पप्पू सिंह, ये भी नशे का आदी था और ये जो चंद्रपाल हैं ये भी शराब का सेवन करते थे। तो कल रात में ये लोग एक जगह पे जो जिसका सुनील का विजय का मकान है, विजय के घर के सामने जो खाली जगह पड़ी हुई थी उसके सामने कुछ लोग मिलके शराब का सेवन कर रहे थे। इसके बाद ये महाराज विकास को जबरदस्ती अपने साथ लेके गए अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए विकास के साथ, जिसका चूंकि ये नशे में था और वो भी नशे में थे महाराज भी, तो इसका विरोध किया गया। विरोध में ही जो बगल में ईंट रखी थी, ईंट से सर पे मारा गया, जिससे कि ये चंद्रपाल जो थे ये गिर गए। इसके बाद विकास ने जो घटना स्थल है उसके बगल में ही, इसके कथनानुसार बयान के अनुसार बगल में एक डॉक्टर रहता है जो मोहल्ले का ही है, वहाँ पे ले जाने के लिए गया, जहाँ पे ये भी गिर गया और जो चंद्रपाल थे वो भी गिर गए। इसके बाद इसने दो लोगों को वहाँ पे सूचना दी, एक सोनू इसका जो मित्र है उसको इसके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे हो गया है, वो मौके पे भी आया, उसके द्वारा बयानों में तस्दीक की गई है इस बात की। उसके ऊपर 202 में चार्जशीट लगाया जाएगा। इसी तरह इसके बाद ये अपने घर पे आया, इसने अपनी माँ को बताया घटनाक्रम, माँ के द्वारा भी इसको डांटा गया। इसके पश्चात ये जाके रात में खेत में रहा। जब इसे दिन में ज्ञात हुआ कि जो ये चंद्रपाल थे इनके मृत्यु हो गई है, तो ये गांव से फरार हो गया और मेरठ आ गया था। उसके पश्चात इसको वहां से गिरफ्तार किया गया है। सर, ये बाबा के साथ इससे पहले भी इस तरह के संबंध बनते रहे हैं या इस दिन पहली बार इस बाबा इसके पोस्ट कर रहा था? ये जो बात अभी निकल के आई है अभी तक की विवेचना के क्रम में, इसमें इसके द्वारा बताया गया है कि 2-3 महीने पहले भी इस तरह से एक आध बार संबंध बनाया गया था। जो अभी तक की जांच से और विवेचना से बात निकल के आई है वो यही निकल के आई है कि मतलब जबरदस्ती किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।